भाई ऑनलाइन शेयर ट्रेंडिंग के नाम पर धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि साइबर ठग फर्जी कॉल और सोशल मीडिया संदेशों के माध्यम से लोगों को अधिक लाभ का लालच देकर ठगी कर रहे हैं। वहीं साइबर ठग सोशल मीडिया अकाउंट का फर्जी मोबाइल नंबर से कॉल या व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेज भेजकर लोगों को शेयर ट्रेंडिंग में निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। बता दें कि इसी को देखते हुए दुर्ग रेंज के आईजी श्री राम गोपाल गर्ग के नेतृत्व में साइबर प्रहरी नामक एक पहल की शुरुआत की गई, वहीं जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को साइबर ठगी से बचाना है। वहीं साइबर प्रहरी के माध्यम से पुलिस लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर अपराध से बचने के उपायों की जानकारी लगातार देती है। पुलिस द्वारा जारी यह एडवाइजरी सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे ऑनलाइन निवेश या किसी भी प्रकार की वित्तीय लेनदेन करते समय सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे। आज मैं आप सबको साइबर फ्रॉड के एक तरीके, जिसको कि स्टॉक मार्केट स्टॉक ट्रेडिंग साइबर फ्रॉड कहा जाता है, उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। इसमें क्या होता है कि आपको किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे एक ग्रुप में जुड़ने के लिए कहा जाता है, जिससे जिसपे कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट की नई नई टिप्स दी जाती हैं। उस टिप्स के माध्यम से आपको लगता है कि आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो आपको एक ऐसी डम्मी साइट की तरफ लेके जाते हैं जिसमें कि एक्चुअल में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और सारे का सारा आपका पैसा किसी फ्रॉड अकाउंट में जाता है। तो इसलिए आप किसी भी तरीके के ऐसे प्रलोभन जिसमें कि आपको जल्दी पैसा कमाने के लिए कोई प्रेरित कर रहा हो, या कोई ऐसी टिप्स देने के लिए कि स्टॉक मार्केट में आपका फायदा हो रहा हो, उससे बचें। कभी भी आपको अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो जो निर्धारित ब्रोकर हैं, जो कि रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं विद सेबी, उनके जहां एनएससी जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उनके पास जाकर ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, और आपने जो डीमैट अकाउंट है उसको लगातार चेक करते रहें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो उसमें दिख रही है या नहीं दिख रही। तो जो फ्रॉडस्टर हैं उनसे बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें।